नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा लक्ष्मी गार्डन से। मेरा सुबह का नमस्कार। और मैं आज अपना एक आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाने आई हूँ। तो आप लोगों की जानकारी नहीं होगी कि किस तरीके से पॉर्चुल का जो हमने 20 दिन पहले लगाया था, अब देखिए बिल्कुल इसमें कोई भी बढ़िया सी फ्लावरिंग नहीं हो रही, बहुत कम बर्ड्स लगी हैं। तो इसमें इस वाले प्लांट में भी खाद की बहुत ही ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आपने एक बार पौधा लगा दिया तो आपके फ्लावर आने लगेंगे। आज 20 दिन हो गया है, बहुत कम थोड़ा बहुत फ्लावर खिलता है और बर्ड्स भी नहीं ज़्यादातर आई हैं, बहुत कम बर्ड्स आई हैं। तो देखिए अब मेरे पास बहुत सारे पौधे लगाए हुए थे मैंने, तो किसी में बर्ड्स लगी हैं, किसी में बिल्कुल नहीं है। और 22 दिन हो गया है, 3 वीक पहले मैंने लगाया था। जितने भी हमने पौधे लगाए थे इसमें किसी में बर्ड नहीं लगी हैं। तो इनका इलाज बहुत ही ज़रूरी है कि बर्ड, कोई भी पौधा आप लगाते हैं फ्लावर वाला, तो इसमें खाद की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और अलग अलग पौधों की अलग अलग टाइप की खादें होती हैं जो मैं अपने घर में बनाती रहती हूँ और आपको वीडियो के जरिए बताती रहती हूँ किस तरीके से आप अपने पौधों में अलग अलग तरीके से खाद दें और लिक्विड दें और जो वर्मी कंपोस्ट दें और जो बहुत सारी खादें जो मैं बनाती रहती हूँ, मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। तो आप ये देखिए, ये हमारी पेस्टिसाइड और बहुत ही बढ़िया हमारी खाद भी है। ये हमारे आप पहचान नहीं रहे होंगे, ये हमारे घर में हम हर समय अपने घर में रखते हैं, राख है ये। तो राख इसमें मैंने थोड़ी सी ले ली। और ये है जो चाय पत्ती, सभी के घर में होती है। तो चाय की पत्ती और राख जो होती है बहुत ही बढ़िया हमारी खाद होती है, ये हमारे पॉर्चुलिका प्लांट के लिए। जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था कि पॉर्चुलिका प्लांट मैंने ये इन सब पॉटों में लगा दिया था, जो कि हमारे पास पिटोनिया हर पौधों में, हर पॉट में पिटोनिया लगा हुआ था। पिटोनिया लगा हटाने के बाद मैंने 20-22 दिन पहले किया हमारा वीडियो मैंने डाला था। तो 20-22 दिन पहले मैंने इनमें लगाए थे और कोई भी बर्ड नहीं है। तो ये हमारी राख है और चाय की पत्ती आपके घर में सबसे होती है। अगर जो नहीं है तो अभी 10 रुपये का, केवल 10 रुपये का पैकेट ये मिला, मैं लेके आ गई। और इसमें राख में चाय की पत्ती, क्यों हमारे पास बहुत सारे पौधे हैं तो मैं पूरा 10 रुपये का पैकेट पूरा ये मिला लूँगी। बहुत सारे हमारे पास पॉर्चुलिका मैंने प्लांट लगाए थे। और ये राख, आप राख में इसको ऐसे मिला लें, राख में जब ऐसे सही से इसको मिला लेंगे, ये हमारी बहुत बढ़िया खाद होती है हमारे पॉर्चुलिका प्लांट के लिए। और सारे किसी भी पौधे में आप डाल सकती हैं, लेकिन पॉर्चुलिका के लिए बहुत ही बढ़िया है। हमारी पेस्टिसाइड भी है, क्योंकि पॉर्चुलिका में भी मिलीबग लगता है। मैंने कल के वीडियो में दिखाया था कि मिलीबग लगता है, लेकिन आज हमारे किसी भी पौधे में मिलीबग नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मैंने मिलीबग का इलाज बताया था अपने कल के वीडियो में। तो अब इस तरीके से आप पौधों में ये राख और हमारे चाय पत्ती जो सभी के घर में होती है, अगर जो उबली चाय पत्ती है आपके पास, उबली बनी हुई सुखाई हुई रखी है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन मैं इन पौधों में बिल्कुल ताज़ी पैकेट से निकाल के चाय की पत्ती और राख डाल देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रांग होती है और हमारी जो उबली हुई चाय की पत्ती होती है उसमें असर कम हो जाता है। तो और हमारे जो एसिडिक पौधे हैं, इनको एसिड की बहुत ज़रूरत होती है, एसिड चाय की पत्ती में पाई जाती है। और जो राख होती है वो पेस्टिसाइड होती है और खाद भी होती है। इसी तरीके से आप हर पौधे में ऐसे दे सकती हैं। और इसमें देखिए 10-5 दिन के अंदर इतनी बढ़िया सी बर्ड बनेगी और बहुत बढ़िया फ्लावरिंग होगी। और मैंने इसलिए वीडियो बना के दिखाया क्योंकि सभी ने ये वाले पौधे जो पॉर्चुलिका है सभी ने लगाए होंगे। और अगर जो आपके फ्लावर नहीं आ रहे हैं, बर्ड नहीं बन रही, तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे लगे हैं, तो मैंने सब ज़्यादा सी बनाई है। जिस हिसाब से आपके पास पौधे लगे हों उस हिसाब से आप आधा पैकेट भी डाल सकती हैं। और अगर जो ज़्यादा पौधे हैं, अभी आपको हमारे पास बहुत सारे पौधे हैं, मैं उन पौधों के पास ले चलती हूँ। और ये मनी प्लांट है, मनी प्लांट की बढ़िया सी ग्रोथ लेने के लिए देखिए कितना सुंदर सा हरा भरा है, तो आप मनी प्लांट में भी डाल सकती हैं। मनी प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी हमारी ये खाद है। मनी प्लांट में ऐसे डाल के गुड़ाई कर दें और मनी प्लांट बहुत हरा भरा आपका रहेगा। इसमें ज़्यादा और खाद की ज़रूरत नहीं होती है। वर्मी कंपोस्ट थोड़ी सी दे सकते हैं जो मैं घर से बनाती हूँ। ये देखिए कितना हरा भरा हमारा मनी प्लांट है। और मैं आगे अपने और पौधों के पास ले चलती हूँ। मैंने सारी बास्केट बना रखी हुई है और बास्केट में आप इस तरीके से
बहुत सारी बास्केट बनाई है। मोगरा का हमारा बहुत बढ़िया प्लांट है, मोगरा में भी डाल सकती हैं। मोगरा को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है और मैं दिखा रही हूँ इसमें सारे जो बास्केट मैंने टांगने के लिए बनाई। जब फ्लावरिंग होने लगेगी तो मैं बास्केट सब टांग दूँगी। इसी तरीके से देखिए हमारे पास जितनी हमने खाद बनाई थी सारे पौधों में मैं डाल रही हूँ, हमारी खाद ख़त्म हो जाएगी। आपके पास जितने पौधे हैं उसी हिसाब से आप बना सकती हैं और डाल सकते हैं, बिल्कुल नुकसान नहीं करेगी। इसके बाद पानी आप भर दीजिए गमले में और पानी जब भर देंगे तो हमारे पूरे जड़ों में ये खाद पैक हो जाएगी और फ्लावरिंग बड्स बनाना शुरू कर देंगे हमारे ये पौधे। इसमें भी जिसमें जिसमें हमारे पौधे उगाए हैं उसमें मैं डाल देती हूँ। और आप ये देखिए हमारा रोज़ का प्लांट है, रोज़ के प्लांट में भी बहुत ही फ़ायदेमंद खाद होती है, इसमें भी बड्स बनाना शुरू कर देगा। रोज़ इस समय बहुत ही जल जाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप होती है, तो मैं ऐसे खाद देती रहती हूँ। खाद देने से हमारे पौधे बहुत स्वस्थ रहते हैं और उनको एनर्जी मिलती रहती है, जिससे आपके पौधे स्वस्थ रहते हैं। आप ऐसे इसी तरीके से मैंने आपके सब पौधों में डाल के दिखाया, इसी तरीके से आप अपने पौधों में। और उसके बाद पानी दे दीजिए इसी तरीके से। इतने सारे हमारे पास परचिलका लगा हुआ है, अब जब खिलने लगेगा तो मैं बास्केट हर जगह एडजस्ट करूँगी, टांगूँगी। और जितने पौधे थे हमने सारे में खाद दे दी। अगला वीडियो मेरा होगा जब हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग होने लगेगी। और इसी तरीके से आपने हमने अपना जो गार्डन है बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया है, बहुत ही खूबसूरत हमारा गार्डन लग रहा है। इधर से उधर मैं पौधे करते रहती हूँ जिससे हमारा प्लांट हमारे गार्डन में बहुत खूबसूरत तरीके से दिखे। देखिए कितनी बढ़िया सी फ्लावरिंग हमारे गुड़हल में हुई है और ये हमारा पिंक जो हिबिस्कस है खिला है, बहुत सुंदर। आपको मोबाइल में हमारे वीडियो में बहुत हल्का शेड लग रहा होगा लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये हमारा पिंक कलर का खिला हुआ, कितनी सारी बर्ड्स हेल्दी लगी हुई है, मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और आशा है मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसी तरीके से अपने गार्डन को मेंटेन करिए और बहुत खूबसूरती से अपने गार्डन को रखिए। आज मैंने अपने गार्डन को मेंटेन किया है, बढ़िया से सफाई की है, धुलाई की है। आशा है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर जो मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसी तरीके से अपने पौधों में खाद दीजिए बना के, और हमारा वीडियो आगे बढ़ाते रहिएगा, हमारे लिंक को शेयर करते रहिएगा, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिएगा। और मेरा आप लोगों को फिर से नमस्कार, थैंक यू।